हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं मसूर की दाल से चुक्का और अंबाड़े की भाजी के साथ एक दाल, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही मजेदार बनती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 200 ग्राम के करीब में मसूर की दाल ले ली है। अब हम इसमें पानी डाल के इसे अच्छे से साफ धो लेंगे। फिर इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे चुक्का और अंबाड़े की भाजी। ये आपको वेजिटेबल मार्केट में इजिली मिल जाएगी। फिर हम 4 से 5 हरी मिर्च को काट कर इसमें डाल देंगे। हम इसमें लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो आप उसी हिसाब से हरी मिर्च डालें। अब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। फिर एक टमाटर को काट कर इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। अब आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए। इसके बाद हम इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने आधे जग के करीब में पानी डाला है। धनिया पाउडर डालना मैं भूल गई थी, तो वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे 1/2 चम्मच। अब हम कुकर लगाकर 10 से 15 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये दाल बिल्कुल गल चुकी है। तो अब हम इसे दाल घोटनी की मदद से अच्छी तरह से घोट लेंगे। हमने इसे अच्छी तरह से घोट लिया। अब हम इसमें करी पत्ता ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पर कोतिंबीर भी इसमें डाल देंगे। अभी हमारी जो दाल है वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो ही चुकी है, बस हमें इसमें तड़का डालना है। यहाँ पर मैंने तड़का पहले से ही तैयार कर लिया, तो अब हम इसमें डाल देते हैं तड़के को और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और हमारी दाल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये खाने में बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। आप बनाकर जरूर ट्राई करिए। और मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में।